भारतीय कौशिकी मार्शल आर्ट संघ के तत्वावधान में स्कूल गेम में शामिल हो चुकी कौशिकी खेल का देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर के एलेंट एकेडमी के 26 खिलाड़ियों में 12 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पद जीते हैं। बताना चाहेंगे कि विगत 29 से 1 दिसंबर तक दिल्ली में हुई आयोजित कौशिकी खेल की राष्ट्रीय स्पर्धा में कई बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया है और जीत अपने नाम की। इंदौर से इनके कोच अमय लस्करी व मैनेजर कृष्णा खेरात व शुभम लस्करी थे। इस मौके पर श्री साई बाबा स्कूल के प्राचार्य श्रीमती डॉक्टर यामिनी ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी। इंदौर के एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी और इंदौर शहर की मार्शल आर्ट खिलाड़ी रूपाली वर्मा और निराली कदम स्कूल गेम में शामिल हो चुके हैं। कौशिकी मार्शल आर्ट खेल में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। दोनों ही खिलाड़ियों ने इंदौर के कौशिकी खेल में पहली ब्लैक बेल्ट महिला खिलाड़ी के नाम खिताब हासिल कर लिया है और इतिहास रच दिया है। दिल्ली में 1 दिसंबर को आयोजित की गई पहली राष्ट्रीय कौशिकी स्पर्धा में रूपाली वर्मा और निराली कदम ने ब्लैक बेल्ट परीक्षा पास कर ली है। बताना चाहेंगे कि दोनों ही खिलाड़ी अमय लश्करी की ट्रेनिंग ले रही है। और मैं यही चाहूँगी कि और भी बच्चे मेरी तरह इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें। आपके घर वाले किस तरह से सहयोग कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले मुझे पूरी तरह से सहयोग करते हैं, मुझे किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करते हैं। वह जानते हैं कि इस खेल का कितना महत्व है ज़िंदगी में और वह मेरे को और आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। लश्कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमने वहाँ पर जाने के बाद मैंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया और फर्स्ट टाइम ब्लैक बेल्ट हासिल किया और वहाँ पर हमारी एलिट स्पोर्ट्स एकेडमी के 36 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। और हमारा यह प्रोग्राम 29 से 1 दिसंबर तक आयोजित किया हुआ है। यहाँ तक ये कोशिश टूर्नामेंट है जिसमें बहुत मुश्किल होता है, खेल जापान का है, जिससे हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जिसके कारण हम गोल्ड मेडल ला पाए। स्पोर्ट्स एकेडमी के ये गए थे दिल्ली में आयोजित हुए कौशिकी मार्शल आर्ट राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए और ये सारे बच्चे जो है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करके आए और उसमें जीत के भी आए। सर, मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार स्कूल गेम्स में शामिल हो चुका है ये खेल कौशिकी मार्शल आर्ट, जो कि मार्शल आर्ट का एक पार्ट है, कराते से थोड़ा भिन्न है। और इस खेल को खेलने का मेरा सीधा सा सिद्धांत ये था सर, क्योंकि ये एक प्रो लीग गेम है। ये गेम में आपको सेफ्टी ज़्यादा रखी जाती है, कराते के जैसा एक हार्ड गेम भी होता नहीं है, इसमें टच एंड बैक रहता है। इसमें बच्चे टेक्निकली रूप से ज़्यादा खेलते हैं, ना कि ताकत से। जो टेक्निक से खेलेगा उसमें पॉइंट स्कोर किया जाएगा, वरना आज मार्शल आर्ट्स में कराते की बहुत सारी स्टाइल्स आ गई है, बहुत सारे फर्जी काम भी होने लग गए हैं। पर मैं इसमें से सीधा कहना चाहूँगा कि कौशिकी को अब स्कूल गेम से मान्यता दी जा रही है और ये बहुत अच्छा खेल है, जिसमें सरकार के लोग और चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो या बहुत सारे लोगों जो उसमें अब हाथ और सहयोग बटा रहे हैं अपना। मैं चाहता हूँ कि कौशिकी खेल और आगे तक जाए, एशियंस में जाए, कॉमनवेल्थ तक जाए, ओलंपिक से जाए और मेरे बच्चे भी इसमें बहुत आगे तक जाए। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।